हाँ दोस्तों, वेलकम टू माय YouTube चैनल फार्मिंग लैपटॉप। अभी हम लोग ऑफिस वर्क से जाने हैं। हम लोग अभी क्या दिखा रहे हैं माशाल्लाह, क्या दिखा रहा हूँ भाई? मैं आपको एक अंडुल बकरा दिखा रहा हूँ। माशाल्लाह भाई, और ये अंडुल बकरा मेरे को मालूम है कि भाई हिंदुस्तान के बहुत अच्छा टॉप ब्रीड का जो सोजत था जी उसका बकरा है, उसका बेटा ये। जी उसका बच्चा है। माशाल्लाह, ठीक है। तो दोस्तों ये बकरा हम लोग दिखाते हैं आपको, माशाल्लाह डायरेक्ट बकरा दिखा देते हैं। माशाल्लाह दोस्तों, ये बकरा जो है ना भोला करके एक ब्रीडर था, बहुत शानदार ब्रीडर था ये, उसका बेटा है माशाल्लाह। और ये अभी हफीज भाई ने ब्रीडिंग पर्पस के लिए रखा, बोले रोमन में अभी नॉट फॉर सेल है, क्योंकि अभी जस्ट इसने दो दांत किया है। बाकी डिटेल हफीज भाई से, हफीज भाई इसकी डिटेल क्या आप ही बता दो भाई। अभी दो दांत किया ही है। दो दांत किया है जी माशाल्लाह, जस्ट अभी किया होगा? हाँ, अभी कुछ टाइम पहले ही किया है। उसकी हाइट वगैरह क्या होगी भाई? इसकी हाइट भी तकरीबन 37-38 के समथिंग। अभी भाई तुम 37-38 बोलते हो ना, बहुत ईमानदारी वाली 37-38 है। बाकी ये गांव से तो 40 बोल के आ जाए बकरा। नहीं 40 नहीं, जो गांव से तो 40 ही बोल 40 से तो 39 बोल, लेकिन हाँ ईमानदारी जो है 37-38 से कम तो नहीं है। 37-38 और ये भोला का ही बच्चा है जी माशाल्लाह। तो अभी भाई इसको अभी ब्रीडिंग पर्पस के लिए रख रखे हो या सेल करने के लिए? नहीं, अभी इसे ब्रीडिंग पर्पस के लिए, ब्रीडिंग के लिए पर्पस। अगर फॉर एग्जांपल वीडियो देख के कोई बोलता है सेल कर दो तो कर दो मेरे से? नहीं भाई, अभी से पहले ब्रीडिंग लेंगे, पहले ब्रीडिंग लेंगे इसकी, फिर उसके बाद आगे देखेंगे। हां फिर माशाल्लाह बेटा, थोड़ा चला फिर आगे दिखाओ थोड़ा छालर वगैरह दिखा दो। अभी व्हाइट आइज आएंगे किसकी? नहीं व्हाइट आइज नहीं, नॉर्मल आइज, नॉर्मल आइज छोड़ दो, एक एक आदमी पकड़ लो। माशाल्लाह दोस्तों, हम लोग के पास अगर इसके फादर का भी वीडियो होगा ना, हम लोग इसके फादर का भी वीडियो आपको डालेंगे। है कि इसके फादर का वीडियो तुम्हारे पास? नहीं, मैंने मोबाइल रिसेट मार दिया अपनी। अब्दुल हबीब भाई के पास होगा इसका वीडियो, हो सकता है हबीब भाई के पास। तो हबीब भाई से इसका फादर का वीडियो लेके भी लगा दे। छोड़ो बेटा एक मिनट। और माशाल्लाह क्या फिर भाई, ये अपनी वो गुजरी बकरी है और भोला से जो क्रॉस? जी हाँ माशाल्लाह दोस्तों, इसकी तो माँ बाप है ना, दोनों टॉप ब्रीड थे, जब भी बच्चा ऐसा निकला। बेटा छोड़ो एक मिनट, छोड़ दो, अब इसको ना चलते फिरते दिखाते हैं पूरा आगे पीछे से, छालर कान वगैरह हर चीज में गजब लाजवाब टॉप क्वालिटी का ब्रीडर। तो हफीज भाई की जब ब्रीडिंग हो जाएगी तो उसके बाद आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हो और सेल पर्पस, या फिर भी आप कर लो क्या भरोसा, अगर कोई ब्रीडर को दिला जाए हफीज भाई दे दे तो मैं तो नंबर शेयर कर दूंगा। और शायद जो लाजवाब गर्दन वगैरह देखो ना, पिंपल्स वगैरह क्या है, बोर के जैसे आ रही थी उसको अफीज से दो आती है बच्चा। अभी वजन क्या होगा तकरीबन भाई? मेरे अंदाजे से अभी इसका वजन 75 kg का है। इसके वालिद साहब तो 150 के आसपास चले गए थे तकरीबन। हाँ वो इतने ही थे ना, तो इंशाल्लाह उम्मीद है ये भी 8-10 में चले जाएगा भाई। हाँ इंशाल्लाह उससे ऊपर ही जाएगा ये माशाल्लाह। वो बकरा हम लोगों ने लाए थे बहुत जद्दोजहद करके ले गए थे भाई जी, बहुत जद्दोजहद करके लाए थे, लाने में बहुत दिक्कत है, दिक्कत है तो बेटी। बहरहाल माशाल्लाह देखो अच्छी क्वालिटी है, जंगल भटक भटक के बहुत अच्छे शानदार ब्रीडर से बकरा लिया हुआ था अभी भाई माशाल्लाह। तो यहाँ पर वीडियो को इसको एंड करते क्योंकि अपना इसको देने का मकसद नहीं, जस्ट लोगों को शॉक कराना है ना। कभी भाई मुझसे बड़े बड़े बकरे पालते, क्वेश्चन पूछना भूल गया मैं, कोई ठीक है बकरे की पहचान क्या, बकरा हाइट लेंथ ले, बाकी अल्लाह ताला के हाथ में, लेकिन हम लोग क्या देखे लेने से पहले? भाई लेने से पहले उसके जो एक फ्रेम होता है उस चीज पे गौर करो, फ्रेम पे गौर करें, मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा देखे बचपन में, और उसकी लेंथ कितनी अच्छी आ रही है, या उसके जो पैरों के हाइट की नली है ये कितनी अच्छी आ रही है, पैरों की चौड़ाई मतलब जो पैरों का स्ट्रक्चर क्या, मोटाई क्या, मोटाई क्या है, बकरों के मजबूताई वगैरह। क्योंकि अब अपन जब बड़ा बकरा पालेंगे तो वजन लेगा, वजन लेगा, अगर उसके पैर कमजोर है तो वजन नहीं ले पाएगा। और लोगों चमड़ी वगैरह खींच के देखते हैं, मैं तो आज तक नहीं देखा। आप वो चमड़ी का मसला तो ये होता है कि भाई जैसे बकरी की कितनी चमड़ी लूज है, ओके, तो वेट उसमें, तो उसमें कितनी जगह है जो बकरा बन जाएगा वो देखते हैं। आप पतली चमड़ी देखते हैं, कोई पतली चमड़ी देखता है, कोई लूज पना देखता है, दोनों कई बातें। अच्छा, मैंने एक ब्रीडर से पूछा था, मतलब मेरे वालिद साहब से सीखा था, और वो चीज मेरे को बहुत सक्सेस, पीछे के जो पैर है ना फिर भाई जी, इसके पीछे के जो पैर यहाँ ये थोड़े से मेरे डैडी बोलते स्ट्रेट जाना चाहिए, जानकारी भी आपको मिल जाएगी बच्चा कैसे ले। ठीक है, फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, इंशाल्लाह वो भी आंसर कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।